तो चलिए अब रुख करते हैं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो का, और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों पर की जा रही एक्शन की। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया पर बाबा का बुलडोजर एक्शन जारी है। इस कार्रवाई से अपराधी त्राहिमाम कर रहे हैं और वो खुद की जान बचाने के लिए इधर उधर छिप रहे हैं, लेकिन अपराध की कमाई से बनाए गए उनके महल को एक एक कर ध्वस्त किया जा रहा है। उमेश पाल की हत्या के बाद से बुलडोजर का प्रहार जोर पकड़ने लगा है। आप इन तस्वीरों को देखकर माफिया और उनके गुर्गों पर हो रहे एक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। योगी सरकार अपराधियों पर कमर तोड़ कार्रवाई कर रही है और अब इस एक्शन से अखिलेश यादव परेशान है। कार्रवाई पर अखिलेश यादव सवाल उठाने लगे हैं। राज्य सरकार को उनकी ओर से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और इस मौके पर उन्हें संविधान की याद आ रही है। माफिया पर एक्शन से अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है, लेकिन सवाल यह है कि बाबा की चेतावनी और ताबड़तोड़ बुलडोजर प्रहार से समाजवादी पार्टी या उनके नेताओं की परेशानी क्यों बढ़ रही है? इस पर हम अपने मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले को समझाने के लिए, अब तक हुई बुलडोजर की कार्रवाई बताने के लिए एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वही दिन है जब योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिला देने की शपथ ली थी। उनके इस ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में माफिया गैंग पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। उनके साम्राज्य को एक के बाद एक धराशायी करने का सिलसिला शुरू हो गया। उन पर बुलडोजर का जोरदार प्रहार होने लगा। 1 मार्च 2023, जगह प्रयागराज, अतीक के कुर्गे जफर अहमद का घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। 2 मार्च 2023, जगह प्रयागराज, अतीक के एक और गुर्गे और सफदर अली का मकान जमींदोज किया गया। 3 मार्च 2023, जगह प्रयागराज, अतीक के फाइनेंसर माशुकुद्दीन के घर पर कार्रवाई की गई। 3 मार्च 2023, जगह मऊ, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों के मकानों को बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया गया। 4 मार्च 2023, जगह मऊ, मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के मकान पर फिर एक्शन लिया गया। तो एक तरफ अपराधियों के मकान, लेकिन यह कार्रवाई अखिलेश को रास नहीं आ रही है। उन्होंने इस एक्शन पर पहली बार बोला और योगी सरकार की इस नीति पर सवाल उठा दिए। ये खराब है, ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, देश कानून और संविधान से चलना चाहिए। और जो लोग ये कहते थे मिट्टी में मिला देंगे, अरे भाई मिट्टी में मिलाने जा रहे हो, कम से कम टॉप 100 माफिया की सूची कब आएगी? ये सूची इसलिए नहीं आ रही, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस टॉप 10 में आ जाएं। सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव योगी के एक्शन से तलमिला क्यों रहे हैं? यूपी में माफिया के जिस आतंक को योगी मिट्टी में मिलाने में लगे हैं, उस पर अखिलेश यादव संविधान की दुहाई देने में क्यों लगे हुए हैं? अखिलेश की टेंशन क्यों बढ़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अगर उत्तर प्रदेश की जनता की बात की जाए तो कई लोगों की ओर से यह रिएक्शन सामने आता रहा है कि अगर माफियाओं ने गलत किया है, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, तो फिर उसे मिट्टी में मिलाने में आखिर दिक्कत क्या है? और यही सवाल समाजवादी पार्टी से भी है कि आखिर माफियाओं के खिलाफ जब यह कड़ा एक्शन लिया जा रहा है तो क्यों अखिलेश यादव समय समय पर सवाल उठाते हैं? सवाल तो उन्होंने विधानसभा में भी उठा दिया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। इसके अलावा कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और हैदर मुजीब मेवाती साहब हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कपिल जी आप ही से करते हैं। एक मीम आजकल आपने देखा होगा, काफी वायरल होता है, उस मीम में कहते हैं करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सर ये आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष की हालत नहीं नजर आती आपको? कार्रवाई होती है तो कार्रवाई क्यों, और कार्रवाई नहीं होती है तो आप ही बोलते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सर चाहते क्या है आप उत्तर प्रदेश के लिए? मैं एक बात ये पूछता हूं कि अगर कानून पे बात हो रही है तो करूं तो करूं का ये कौन सी बात आ रही? मुझे केवल ये क्लियर कर दिया जाए कि ये जो बुलडोज करने की कार्रवाई है जी, ये अवैध रूप से बने हुए मकान को ढाने की कराई है, जो कि स्पेशल एक्ट जो हमारे विकास प्राधिकरण का होता है उसके धारा 27(1), 27(2) और 27(3) के अनुक्रम में है। या किसी माफिया के द्वारा कोई अगर हत्या कर दी गई है तो ये IPC के किसी धारा के अनुक्रम में,
अब मैं दूसरी चीज कहता कि आप पहले यह तो क्लियर कर दीजिए ना कि आपने अपराध करने वाले के विरुद्ध चलाया है, अवैध संपत्ति वाले के विरुद्ध नहीं जो अवैध तरीके से उन्होंने निर्माण किया। दूसरा मैं एक चीज कहता हूं जी, अगर गलत ढंग से प्रॉपर्टी अर्जित करने का कोई मामला है तो सरकार उसे कब्जा करे, अच्छा, और सरकार उसे अटैच कराए, ये विधि है। अच्छा ठीक है कपीर श्रीवास्तव जी, अच्छा आप बच्चों के लिए अनाथालय को लिए, कपीर जी आपने अपनी बातों को पूरी तरह से रखा, दरअसल सवाल समझिए, मैंने जो सवाल पूछा कि करें तो करें क्या, मुझे पता है सर बहुत अच्छे से याद है मुझे विधानसभा में आप ही के नेता सवाल पूछ रहे थे कि साहब प्रयागराज जैसी बड़ी घटना हो गई कर क्या रहे आप, फिर उसके बाद जब बुलडोजर चलने लगा तो ये पूछ रहे हैं आप कर क्या रहे हैं, आप समझ रहे सर दोनों कर क्या रहे हैं में फर्क क्या है। दूसरी बात यह है कि माफिया ने जो संपत्ति अर्जित की है वो सीधे काम करके तो अर्जित नहीं की होगी, अगर वो माफिया और आप खुद ये मान रहे हैं माफिया है तो उनकी संपत्ति पर बुलडोजर क्यों ना चले, बहुत छोटे से मैं जवाब दीजिए फिर मैं बीजेपी से पूछता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप कानून का ज्ञान नहीं रख रहे हैं तो मैं आपको क्या जवाब दे दूं। बड़ा हतप्रभ होते हैं कि मीडिया जगत के एंकर को कम से कम कानून का जानकारी। सर मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपने माफिया के हत्या पर उसके लूट पर या किसी चीज पे भी चलाया हो तो बताइए किस सेक्शन के तहत चलाया, या फिर आपने अवैध निर्माण पे चलाया है तो उसका सेक्शन मैं बता रहा हूं, ये पहली बार थोड़ी चल रहा है, लेकिन आप इसको सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का अड्डा नहीं बना सकते। नहीं सर ऐसा है कि बहुत आसान है ये कि दूसरों के ज्ञान पर सवाल खड़े कर दे, तो अगर सिर्फ आपको कानूनी ज्ञान चाहिए तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जवाब बीजेपी अच्छे से दे पाएगी। मेरा सवाल सिर्फ जनता के कॉन्टेक्स्ट में था सर, सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल सिर्फ जनता के कॉन्टेक्स्ट में था कि अगर माफिया ने सीधे तरीके से संपत्ति अर्जित नहीं की और उसे डिमोलिश करवाया जाता है तो दिक्कत क्या है समाजवादी पार्टी को, मुझे दिक्कत से परेशानी है। कानून का ज्ञान आप लेकर आए होंगे, कानून को लेकर मैं भी आपको बता दूंगा और दूसरे लोग भी बता देंगे आपको, लेकिन मैं पब्लिक इंटरेस्ट में जानना चाह रहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई से दिक्कत क्या है। अनिल सिंह जी प्लीज जवाब दे दीजिए। बताते हैं कि ये दिक्कत है कि जब मेरी सबको राम राम, और कपीर श्रीवास्तव जी प्रवक्ता के साथ साथ अधिवक्ता भी हैं, तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी ना बनाइए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किस कानून के तहत जो है ये कार्रवाई हो रही है, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है, परेशानी समझ में नहीं आ रही है या ये दर्द हो रहा है कि ये जो अवैध कब्जे हैं, अवैध मकान जो बने हुए हैं, ये आप लोगों के चहेतों के टूट रहे हैं, तो वो एक अलग मसला है, वो आप जानिए, आपका राजनीतिक दल जाने, और ऐसे लोग जिनको जो करप्शन में क्राइम में इंडल्ज होते हैं उनको आप अपनी गोदी में बैठा कर रखें, आपको मुबारक हूं। जहां तक ये बुलडोजर का सवाल है तो बिल्कुल, ये जो कोई भी विकास प्राधिकरण है वो नक्शा पास वहां से होता है तो वहां पे किसी भी प्रकार का भवन बनता है, अगर आप नक्शा पास नहीं करवा रहे हो या नक्शा आपने पास कुछ करवाया बनाया कुछ है तो फिर नोटिसेस जाते हैं, और नोटिसेस पे अगर आप कुछ करेक्शन नहीं करते हो तो ठीक है, प्राधिकरण को पूरा पूरा ये अधिकार है कि प्रशासन की मदद से वो उस बिल्डिंग को ढा भी सकते हैं, आपका जो प्लॉट है वो भी कैंसिल कर सकते हैं, तो वो अपनी प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है, जब पुलिस प्रशासन उनको मिल जाता है तो वो कार्रवाई कर देते हैं। इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है भाई, क्यों इतनी परेशानी हो रही है, अगर भवन गिर रहे हैं, बिल्डिंग गिर रही है, कि किसी आम नागरिक की गिर रही है क्या, तकलीफ ये हो रही है कि ऐसे लोग जो माफियाओं के साथ डॉन के साथ एसोसिएटेड है उन पर एक्शन हो रहा है, या खुद माफिया या डॉन की जो ऐसी संपत्ति है उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, ये वो लोग हैं जो दहशत गर्दी फैलाते रहते हैं, ये वो लोग, अरे कपीर जी सुन तो लीजिए, अरे सीधे मायने से तो पैसा कमाया नहीं कपीर श्रा से, शांत होकर बैठिए भाई, परेशान मत होइए। सर आपकी आवाज कट रही है कपीर जी, सुनिए ना, कुछ टेक्निकल आ रहा है, आपकी आवाज कट रही है, मैं आऊंगा आपके पास। माफियाओं को डॉन को इसलिए पाल के रखा कि इनके नंबर दो के पैसे से आप लोग राजनीति कर सको, ये आप लोगों ने जो नंबर दो का पैसा कमाया है ये एडजस्ट कर दे, ठीक है। अनिला जी इन सवालों का जवाब मैं लूंगा, इन सवालों का जवाब कपीर श्रीवास्तव से मैं लूंगा, कपीर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, इनका साथ ना दे लेकिन गोली से उड़ा दे, बुलडोजर की कार्रवाई से संविधान खतरे में आपको भी दिखता है क्या विदेश सर, क्योंकि कपीर श्रीवास्तव जी कानूनी ज्ञान पर सवाल पूछ रहे, मेरा सवाल बहुत सीधा था पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर, लोग तो यही सोचते हैं कि माफिया था भाई, सीधे तरीके से तो संपत्ति बनाई नहीं होगी, जो संपत्ति अर्जित की गई होगी वो किसी को धमका कर की होगी या कहीं और से अर्जित की गई, इस पर बुलडोजर चल रहा है तो दिक्कत क्या है, अब क्या संविधान खतरे में क्या बुलडोजर चलने से, नहीं संविधान और कानून की बात तो समाजवादी पार्टी के सारे प्रवक्ता कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के शासन काल में किस संविधान और कानून के तहत इतने माफिया खड़े हुए, क्योंकि अतीक अहमद
अतीक अहमद का उदय 1989 में होता है, जबकि मुलायम सिंह यादव वहां के मुख्यमंत्री थे, और उस समय से उसका आतंक इतना था कि इलाहाबाद अब तो प्रयागराज होगा, पश्चिम से कोई नॉमिनेशन डालने की हिम्मत नहीं करता था, थानेदार अपने वहां से ट्रांसफर करा लेते थे। तो ये सब अगर कानून का शासन था, ये सब संविधान के तहत हो रहा था, तो इस समय तो जो कुछ भी हो रहा है उससे छोटा है। देखिए, हमारे देश की समस्या ये रही है कि ऐसे आतंकवादियों को, अपराधियों को, माफियाओं को, इन सबको कानून सत्ता के साथ साथ कानूनी दृष्टि से संरक्षण देने वाले, बचाने वालों की एक विधिवेत्ताओं की भी एक फौज रही है। केवल सरकारें संरक्षण नहीं देती रही, ठेके पर मुकदमे लड़े जाते रहे हैं, वो जेल में है उस जी। ठीक है अवधेश जी, आपकी आवाज कुछ ब्रेक हो रही है, मैं आ रहा हूँ एक बार फिर से आपके पास। नहीं 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 नहीं, वो तो कहीं से कॉल आ गया था। ठीक सर, प्लीज सर कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। भाई किसी घर में, अगर किसी घर में पुलिस को मारने का, गवाह को मारने की योजना बन रही हो, किसी घर में हथियार हो, तो उस घर को तो ऐसे ही गैर कानूनी डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके लिए उल्टा बनाया, सीधा बनाया, उसने नक्शा पास कराया कि नहीं, अगर वहां बैठ के अपराधी आतंकवादी, आपने देखा नहीं पूरा, सुनिए सुनिए, मॉस्को में पूरे के पूरे कॉलेज को ध्वस्त करा दिया पुतिन ने, कि इसका चारा यही है कि इसको उड़ा दो। किसी आतंकवादी से लड़ना है तो सुनिए 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 भैया, आतंकवाद से, अपराध से और माफिया से लड़ने के लिए दुनिया का नॉर्म्स है कि अगर वो किसी मकान के अंदर से चला रहा है, अगर नहीं काबू में आ रहा है तो उसको ध्वस्त करो, न्यायालय देखेगा क्या है। सर, कपीश सर, सभी का ज्ञान फीका है आपके आगे, मैं मानता हूँ, लेकिन सर जनता बहुत आसान भाषा में समझना चाहती है। जो आपने सवाल उठाए, मैं उन सवालों का जवाब फिर से लेने की कोशिश करूंगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ने के लिए एक्शन जारी है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कुछ दिनों के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सख्त से सख्त सजा मिलने की बात भी ब्रजेश पाठक की ओर से कही गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, अब करीब एक हफ्ता हो गया है, अभी आरोपी पकड़ से बाहर है पुलिस के, क्या कार्रवाई चल रही है? हमारी पुलिस और एसटीएफ लगातार लगी हुई है, एक एक अपराधी को हम ढूंढ निकालेंगे, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और प्रयागराज मामले को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। अतीक के जो पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ अवैध संपत्तियां हैं, उस पर सरकार क्या प्लान? ये तफ्तीश का विषय है, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्धता अपनी दोहराती है। पुलिस और एसटीएफ मेहनत के साथ लगे हुए हैं, कहीं कोई कोताही न हो, इसलिए उच्च स्तरीय लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है, और आपको कुछ दिनों में ही स्पष्ट हो जाएगा, एक एक अपराधी पकड़ा जाएगा। तो एक एक अपराधी पकड़ा जाएगा, और पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा माफियाओं को, अगर वो उत्तर प्रदेश में है तो। लेकिन इस मिट्टी में मिला देने वाले शब्द से भी कुछ लोगों को आपत्ति। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी से हैदर मुजीब मेवाती साहब, अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है और माफियाओं पर बुलडोजर चलना, यानी कि उनकी एक तरीके से आर्थिक कमर तोड़ने जैसा है, क्योंकि इसी अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल करके वो उसे इस्तेमाल करते थे अपराध में, तो ये सरकार ठीक काम कर रही है या संविधान सम्मत नहीं है, क्या लगता है आपको? देखिए, सब में पहले मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार की और सरकार का काम के बढ़ाई करने राज्य में प्रॉपर वे काम करें, और कहीं ना कहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, और खास तौर पर सलमान हैं उनको, उनके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई चल रही है, दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात। तो फिर से ये चलेगा, देश तो संविधान से चल, मैं तो कहना चाहता हूं तो आपसे, अगर आप तो बुलडोजर कार्रवाई क्या जरूरत पड़ेगी, आप की कार्रवाई से हम देश की जुडिशियल है उसको आप खोखले का काम कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट ही तय करता है कि बुलडोजर चलेगा, कितने घर प्रॉपर्टी को अटैच करा जाएगा, यदि अवैध संपत्ति पे और उसके पास नहीं है, कोई दलित कब्जा कर रखा है जमीन पे, तो कोर्ट हमारी वो तय कर काम करेगी, ना कि बुलडोजर इस देश में इस तरीके की गतिविधियां करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो लगता है ये बुलडोजर की कार्रवाई है वो केवल मुस्लिम जो नहीं, लेकिन मेवाती साहब, कई ऐसे माफिया थे जो धर्म से हिंदू थे,
तो बुलडोजर ने ये डिस्टिंग्विश नहीं किया कि वो हिंदू है तो उस पर नहीं चलेगा और ये मुस्लिम है तो इस पर चलेगा। कई सारे ऐसे माफिया थे जो हिंदू थे उन पर भी कार्रवाई हुई है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लीडर हैं जो कुख्यात हैं और जिनका माफियाओं में नाम गिना जाता है, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि अगर आपने बुलडोजर कार्रवाई देखी होगी, केवल और केवल उस शहरों के जो चेहरे हैं उन्हीं के घरों पर बुलडोजर का काम होता है। नहीं सर, मैं आपको डेटा बताऊं, योगी राज में हिंदू माफियाओं पर भी कार्रवाई हुई है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि विकास दुबे, अमर दुबे, श्याम सिंह, पुष्पेंद्र यादव, सुनील सिंह, ऐसे तो ये तो सिर्फ मैं कुछ ऐसे नाम जो उंगलियों पर गिना रहा हूं, ऐसे बहुत सारी कार्रवाई है सर। लेकिन मुझे बहुत जल्दी से अवधेश जी, यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर बुलडोजर से किसी का घर गिराना है तो कोर्ट की सहमति होना जरूरी है, जरूरी है कि हम कानून के साथ रहते हुए वो कार्रवाई करें। ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। मैं वाती साहब में आ रहा हूं आपके पास, बहुत जल्दी से एक छोटा रिएक्शन मैं चाह रहा हूं कि अवधेश जी दे दें। है विपक्ष का आरोप तो संरक्षण की तरह है ना, विपक्ष का आरोप अपराध के उन्मूलन को लेकर नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रतिबद्धता है कि हमको माफियाओं का, अपराधियों का अंत करना है, तो उनके पास गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है। देखिए मैं पहले भी बोला भाई, सरल सूत्र है कि अगर किसी घर में हिंसा की योजना बन रही है, अगर किसी घर में हिंसा को फाइनेंस किया जा रहा है किसी घर से, अगर वहां हथियार जमा किए जा रहे हैं, तो वो सारे घर कानून की दृष्टि से इलीगल है, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तरह उसको ध्वस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सवाल यह है कि वो ध्वस्त हो रहा है, एक लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता है। कपीश जी जाने माने अधिवक्ता भी है, कपीश जी जवाब दीजिए प्लीज। कपीश जी उसको घिसेंगे कि इसमें ध्वस्त कहां लिखा हुआ है। कपीश जी मैं जानता हूं ना ये सवाल, कपीश जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए जी। जब्तीकरण एक अलग चीज है, ध्वस्तीकरण एक अलग चीज है, प्रॉपर्टी को अटैच कराना एक तीसरी चीज है। अरे किसी घर में आतंकवादी नहीं पकड़ में आ रहा है तो उस घर को ध्वस्त क्यों नहीं किया जाएगा? और आप ध्वस्तीकरण क्यों के सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं ठीक है अवधेश जी और कपीश जी, एक मिनट कपीश जी, आप तो ऐसे नहीं थे, आपसे जब बात होती थी आप तो बहुत शालीनता से कहते थे, आप तो हमलावर होते जा रहे, चाहे एंकर को बोल दें चाहे अवधेश जी को बोल दें। सर आप बात शांति से कहेंगे तो भी समझ में आएगी, विरुद्ध बात करेंगे तो एक विधि को जानने वाला व्यक्ति शांत नहीं होता। आप वकील है ना सर, समझाएंगे तो आप ना, हम लोग तो सवाल पूछेंगे ना सर। क्या बात कर रहे हैं, समझाया उसे जाता है जो समझने के लिए तत्पर और तैयार। अरे तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कानून के संबंध नहीं है तो आप राजनीतिक तौर पर आरोप लगाने की बजाय कोर्ट में दरवाजा खटखटाइए, आप जाइए कोर्ट में और कहिए कि साहब समाजवादी पार्टी का। हास्यास्पद लगता है कि कोई पत्रकार, कोई एंकर, कम से कम जब आप जिस टॉपिक पे बैठ रहे हैं उसके संबंध में कुछ प्रावधान। एक मिनट अवधेश जी, मुझे लगता है कि इन सब की आदत हो चुकी है हम सभी एंकर्स को, तो आप बोलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोदरी मीडिया बन जाने अरे अरे सर, अभी चुनाव में भी हमने कवर किया था तो हमने देखा था क्या चीज हुई था। अनुराग कपीश जी को एक आश्वासन दे रहा हूँ कि इनकी इच्छा की पूर्ति होगी, पहले वो ध्वस्त होगा ठीक है, तब उसको जब्त किया जाएगा। सुनो ना, उसमें विधवा घर बनाना हो, उसमें ओल्ड एज बनाना हो, वो बाद में किया जाएगा ठीक है। लेकिन देश की संपत्ति को बर्बाद। अच्छा ठीक है, मेवाती जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, बहुत छोटा सा रिएक्शन मुझे बीजेपी का लेना है। मेवाती जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुझे प्लीज थोड़ा सा वक्त दीजिए। अनिला सिंह जी वो कह रहे हैं कि कानून में कहां लिखा है कि आप इस तरह से मकान गिरवा दीजिएगा, भले ही आपने अपराधी को पकड़ लिया लेकिन आप मकान कैसे गिरवा सकते हैं? कमरे बने हुए हैं निराश्रित लोगों को। देखिए ऐसा है कि जो अपराधियों का साथ देते हैं या साथ लेते हैं, तो कहते हैं ना करेले को देख के करेला रंग बदलता है, तो इनको भी कानून का कोई ज्ञान नहीं, अपराधी भी तो यही कहता है कि भाई मुझे ज्ञान नहीं था, हो गया अपराध। तो यहाँ पर कपीश ही अधिवक्ता है, पर जब चैनल पर बैठते हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बैठते हैं। अनुराग भदौरिया जी को पूरा पूरा ये एक चैलेंज देते हैं, दोनों की स्पीड एक ही होती है बोलने की। जब हम राम मंदिर बनाना चाहते थे, इन्होंने राम का विरोध किया,
आज हम माफिया राज खत्म करना चाहते हैं तो ये बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो ये चरित्र समाजवादी पार्टी का, तो राम मंदिर भी बन रहा है। और आप अच्छा सुन तो लीजिए कपीर जी, सुन तो लीजिए प्लीज, हम इस पर एतराज नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है कपीर जी सुन लीजिए, अनिला जी प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। कोई माफिया तो उसके अपराध के लिए आप नहीं गिरा रहे, अब इनसे बुलवा लीजिए, इतना परेशान हो रहे हैं। अच्छा कपीर जी प्लीज, नहीं अनिला जी मैं कह रहा हूँ आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, सवाल ही नहीं उठता। नहीं नहीं अनिला जी प्लीज बात पूरी कर लीजिए। वो सरकार है जो सुबोध सहाय जिसने अपनी शहादत दी थाने के अंदर, उनके हित की रक्षा नहीं, लगातार बीच में बोल रहे हैं अनुराग जी, सर आपके हिसाब से एंकर पढ़ के नहीं आता और आप ज्यादा पढ़कर आ जाते, इसलिए कोशिश करते हैं कि सारा का सारा बता दें। अपने फूल माला क्या कपीर जी, आप भी सुन तो लीजिए प्लीज, अनिला जी बात पूरी कर लीजिए जी। देखिए ऐसा है कि योगी राज है, अखिलेश यादव जी बहुत परेशान हो रहे हैं, हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब वाराणसी ब्लास्ट होता है, अयोध्या ब्लास्ट होता है, रामपुर ब्लास्ट होता है, तो बिल्कुल परेशानी इन लोगों को नहीं होती है। रादर ये लोग जो आतंकवादी हैं, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका मुकदमा वापस करने के लिए समाजवादी पार्टी जो है वो पहल करती है। वो तो हमें कोर्ट का धन्यवाद देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की पहल के बावजूद जो है कोर्ट उनको सजा सुनाती है। तो ऐसा राजनीतिक दल जो माफियाओं को पालता है, अपनी पार्टी से टिकट देके उन्हें चुनाव में लेके जाते हैं, चाहे वो विधायकी का हो चाहे वो सांसदी का हो, आतंकवादियों का मुकदमा वापस हो उस प्रकार की पहल करते हैं, दंगाइयों का साथ देते हैं, उनसे हम क्या अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार का एक्शन योगी सरकार ले रही है या जिस प्रकार का कार्य योगी पुलिस में किया जाए, या पहले ये देखा जाए कि अपराधियों को नुकसान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए अभी राज है, ये दो जन राज कब्जा कर चुका है, जस्टिस साहब ने बुलडोजर फेर दिया था, तो भोपाल के जस्टिस साहब कहा था कि किसने हक को बुलडोजर फेराने का, और उन्हीं के जिन्होंने जो लोग जो सरकार लोग थे। मेवाती जी मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको, मेवाती जी आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है, मैं उसको ठीक करके एक बार फिर से आऊंगा बहुत जल्दी से। कपिल श्रीवास्तव जी वक्त बहुत लिमिटेड है, मैं सर चाहूंगा एक लाइन में जवाब दीजिएगा, ये बुलडोजर की कार्रवाई संविधान सम्मत नहीं, और हमारे देश में जो चीज संविधान सम्मत नहीं होती है उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, कब कर रहे हैं आप लोग इस बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ पिटीशन? पहली बात तो हमने ये कहा ही नहीं कि ये बुलडोजर की कार्रवाई विधि सम्मत नहीं है। अगर ये कहते हैं कि ये स्पेशल विकास प्राधिकरण के एक्ट की धारा 27 के प्रोविजन में गिरा रहे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि 302 और 307 के अपराध के लिए गिरा रहे हैं तो ये गलत है। इनसे पूछिए सस्ती लोकप्रियता क्यों हासिल कर रहे हैं, क्या इससे पहले लोगों के मकान बुलडोजर नहीं उतरे रहे हैं? एक लाइन में अनिला सिंह जी एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जाता हूँ। जो सवाल पूछा मुझे इनकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, आप प्लीज बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर किसी पर हत्या का आरोप है तो उसके घर पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं आप? अगर अवैध निर्माण है तब तो गिराइए, उनको अवैध निर्माण गिराने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अवैध निर्माण ही गिरा रहे हैं, और बाकी जिसके ऊपर हत्या का आरोप है और वो जेल के अंदर है कोर्ट काम करेगा, जेल के बाहर है तो पुलिस काम करेगी, और अवैध निर्माण को ही गिरा रहे हैं बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन परेशान मत, लेकिन अवधेश जी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जो चुनाव में एक बार बुलडोजर की बात लेकर आए थे अखिलेश यादव की, देखिए साहब बुलडोजर कैसा गलत चलाया गया, वो पूरा कैंपेन शुरू हो गया योगी आदित्यनाथ के समर्थन में, क्या कुछ वैसा ही बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही सपा की ओर से कि देखिए साहब बुलडोजर से किस तरीके से अपराध किए जा रहे हैं सरकार की ओर से? असल में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार से एक्ट कर रही है जैसे देश के अंदर विपक्ष कर रहा है कि देश का मानस बदल गया है, देश बदल गया, सत्ता का चरित्र बदल गया, अपराधियों को देखने उनके खिलाफ कार्रवाई का नजरिया बदल गया, और कानून के उन्हीं अंशों में से ला करके उनके अंदर आतंकवादियों के अंदर आतंक पैदा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी दे रहा है। मेवाती साहब मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही थी इसलिए बीच में टोकना पड़ा, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल वही है कि अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है तो अपराध रोकना पहली प्राथमिकता है या अपराधियों को नुकसान पहुंच रहा है ये देखना और समझना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए? शायद इस सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी है उसके आला नेता बेहतर दे।